क्या हम प्याज के छिलकों से भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो? जी हाँ, प्याज के छिलकों से हम पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जिससे कि पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और उनकी स्टेम मजबूत होगी। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है। इससे आपको बाहर से कीड़े मकोड़ों की दवाइयाँ, जो कीड़े लग जाते हैं पेड़ पौधों को, उनकी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। अगर आप इस तरह से प्याज के छिलकों को इकट्ठे करते रहिए, क्योंकि प्याज के छिलके इकट्ठे करने के साथ इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, ये जो प्याज इसमें से हमारे पास रह जाती है, हम नहीं कर पाते हैं अलग अलग, तो इसकी वजह से, मॉइस्चर आने की वजह से फंगस लग जाती है। मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस डब्बे में प्याज के छिलके कलेक्ट करके रखे हुए थे, तो इस तरह की फंगस डेवलप हो चुकी है, जो कि मैं अब इसको खाद में डाल दूंगी, लेकिन इसका जो डायरेक्ट वाला फर्टिलाइजर होता है वो मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ जाएगी। इसलिए आप इस तरह के फंगस लगे हुए को डायरेक्ट फर्टिलाइजर ना बनाकर आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग चुकी है। ये जो हमारा छिलके के नीचे जो प्याज होती है, जो कि हम रिमूव कर देते हैं प्याज काटते टाइम, इसकी वजह से फंगस लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। अगर आप किसी बंद डब्बे में, इस तरह से बंद डब्बे में रखेंगे तो फंगस लगने के चांसेस हो सकते हैं। मैं इसको बंद डब्बे में रखा हुआ था, इसलिए मेरी इसमें फंगस लग चुकी है। आपको क्या करना है, ये जो प्याज होती है, प्याज के ऊपर के छिलके इस तरह से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो तीन लेयर प्याज के छिलके की होती है प्याज के ऊपर, तो ये प्याज का कुछ नहीं होगा। प्याज आप रख दीजिए वापस या यूज़ कर लीजिए। इस तरह के छिलके आप निकाल लीजिए। अब इस प्याज के छिलकों को आपको क्या करना है, एक हम डब्बे में या फिर इस तरह के कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पानी लेंगे और ये सारे प्याज के छिलकों को हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 2 दिन तक इसको एयर टाइट कर देंगे और 2 दिन के बाद जब हम खोलेंगे तो इसका पानी हम स्प्रे करके पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। 2 दिन बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा और इस पानी को हम छान लेंगे और स्प्रे करके सारे पेड़ पौधों में डालेंगे और मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इससे कि स्टेम मजबूत होती है और कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। 2 दिन बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, फिर आप अपने पेड़ पौधों में से डाल सकते हैं।